हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 3, फेस्टिवल्स द कलर ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे हमने फेस्टिवल की बात की थी। दो फ्रेंड्स थे जो अलग अलग जगह पे रहते थे, और वहाँ के जो फेस्टिवल होते हैं वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो एक दूसरे को अपने लेटर के थ्रू बताते हैं। तो वो लेशन हमने देखा था, समझा था और अच्छे से पढ़ा था। तो अब हमें यहाँ पे एक पारसी फ्रेंड था, दूसरा उनका कोई आसाम में रहने वाला एक फ्रेंड था। तो वो दोनों के फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सब हमने देखा। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आप सब अपनी अपनी वर्कबुक ओपन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पतेती? पतेती क्या है? तो पतेती इज द पारसी न्यू ईयर। पारसी के जो पारसी के लोग होते हैं उनका नया साल, पतेती यानी जो पारसीज है उनका नया साल। नेक्स्ट है, वेयर डिड द पारसीज कम फ्रॉम? यानी कि पारसी लोग कहाँ से आए हैं? तो द पारसीज केम फ्रॉम ईरान। पारसी लोग कहाँ से आए हैं? ईरान से। व्हाट डू द पारसीज वर्शिप? नेम देयर टेम्पल। यानी कि पारसी के वर्शिप आशीर्वाद क्या है और उनका नाम बताओ, उनके टेम्पल का नाम। तो द पारसीज वर्शिप फायर। यानी उनका वर्शिप आशीर्वाद क्या है, उनकी पूजा फायर। देयर टेम्पल इज कॉल्ड द अग्यारी और द फायर टेम्पल। उनका जो मंदिर है उसको एक तो अग्यारी बोलते हैं या तो उसको फायर टेम्पल बोलते हैं। वॉट डू द पारसीज ऑफर टू द सेक्रेट फायर? यानी कि जब जब उनका जो फायर यानी कि यज्ञ या पूजा होती है उसमें वो कौन सा वुड क्या अप्लाई करते हैं, क्या ऑफर करते हैं? तो द पारसीज ऑफर सैंडलवुड यानी कि चंदन की स्टिक्स, सैंडलवुड स्टिक्स टू द सेक्रेड फायर। यानी उनकी जो पूजा या यज्ञ जो सब होते हैं उसमें वो सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़िया का यूज करते हैं। व्हाट डू मेन वियर वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स? यानी कि जब वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो जो मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं? तो द मैन वियर स्मॉल कैप्स वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स। जब वो प्रार्थना या पूजा करने जाते हैं तो वो अपने जो मैन यानी कि जो भाई लोग होते हैं वो सब अपने माथे पे कैप पहनते हैं। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट ऑप्शंस। द टेम्पल ऑफ द पारसीज इज कॉल्ड द, पारसी का जो टेम्पल होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्यारी, मंदिर, मस्जिद की गुरुद्वारा, तो उनको हम बोलते हैं अग्यारी। द पारसीज वॉरशिप, पारसीज की वॉरशिप क्या है? एयर, वाटर, फायर की अर्थ, तो फायर। द पारसीज केम फ्रॉम, पारसी कहाँ से आए हैं? ईरान। द पारसीज विश ईच अदर, सब लोग एक दूसरे को क्या विश करते हैं? तो साल मुबारक। जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं वैसे ही वो लोग क्या बोलते हैं? साल मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशल डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन द पारसीज न्यू ईयर डे? यानी कि पारसी का न्यू ईयर होता है उसमें कौन सी नई उनकी स्पेशल डिश बनती है? तो रवा, उनकी स्पेशल डिश का नाम क्या है? रवा। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर। जो उनकी स्पेशल डिश है उसका नाम क्या है बच्चों? रवा है। और वो किस में से बनती है? सूजी, मिल्क और शुगर में से। व्हाट डू द पारसी चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एन अर्ली एज? यानी कि उससे उनके जो बच्चे होते हैं पारसीज के वो अपने बड़ों से क्या सीखते हैं, अपने बड़ों की उम्र के पर्सन से क्या सीखते हैं? तो फ्रॉम एन अर्ली एज द पारसी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ ईच अदर। तो जो वो अपने बड़ों से सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे शेयर करना है एक दूसरे के साथ, वो सब सीखते हैं। द पारसीज डेकोरेट देयर डिश विथ, जो पारसीज होते हैं वो अपनी डिश किससे डेकोरेट करते हैं? फ्रूट्स, आलमंड्स एंड रेजियंस, फ्लावर्स की वेजिटेबल्स, तो आलमंड्स एंड रेशियंस। द चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ,
बच्चे किसका इम्पोर्टेंस समझते हैं? तो शेयरिंग विद अदर्स, यानी एक दूसरे के साथ शेयर करने का। नेक्स्ट है, वेयर इज आसाम सिचुएटेड? आसाम कहाँ पे है? तो आसाम इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आसाम कहाँ पे है? ईस्ट इंडिया में है। नेम द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, यानी कि आसाम का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है उसका नाम लिखना है। मेंशन द सीजन विथ विच इट इन कनेक्टेड, और वो किस सीजन के साथ कनेक्टेड है वो भी लिखना है। तो उनका बिगेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? बोहग बिहू। और वो बोहग बिहू कब आता है बच्चों? स्प्रिंग में। बोहग बिहू इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, इट इज कनेक्टेड विथ स्प्रिंग। उनका बड़ा, सबसे बड़ा फेस्टिवल है बोहग बिहू, और वो स्प्रिंग में आता है। नेम द थ्री बिहूज, यानी कि उनका जो थ्री बिहू का जो उनका त्योहार है बिहू, उनके थ्री नेम्स लिखने हैं। द थ्री बिहूज आर बोहग बिहू, माघ बिहू एंड कटी बिहू। उनका तीन नाम है वो, बोग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ब्लैंक इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, आसाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? बिहू, पतेती दिवाली, सॉरी पतेती बिहू दिवाली और गुरुपूरब। तो उसमें से बड़ा कौन सा है बच्चों? बिहू। बोहग बिहू इज कनेक्टेड विथ, कौन से मंथ में कनेक्टेड है वो, कौन से सीजन में? मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटमन की विंटर, तो स्प्रिंग। माघ बिहू इज कनेक्टेड विथ विंटर, माघ बिहू कौन सी सीजन के साथ कनेक्टेड है? तो विंटर के साथ। कटी बिहू इज कनेक्टेड विथ, कटी बिहू किसके साथ कनेक्टेड है? मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटमन की विंटर, तो ऑटमन। नेक्स्ट है, व्हाई इज बोहग बिहू कॉल्ड अ रंगोली बिहू, बोहग बिहू को रंगोली बिहू क्यों बोला जाता है? तो बोहग बिहू इज अ कॉल्ड अ रंगोली बिहू बिकॉज पीपल सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड एन्जॉय देम सेल्व्स, क्योंकि उस दिन लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, गेम खेलते हैं और अपने आप को एन्जॉय करते हैं, इसलिए उसको रंगोली बिहू भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। आसाम बिकम्स ब्लैंक एंड ब्लैंक इन स्प्रिंग, आसाम स्प्रिंग में कैसा बनता है? तो रिच एंड लुश। बोहग बिहू इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द एडवेंट ऑफ, यानी कि जो उसका फर्स्ट मंथ है वो कौन सा मंथ माना जाता है, किसका माना जाता है? तो गॉड, यानी कि भगवान का। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ब्लैंक इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर, आसामिक कैलेंडर में फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? तो बोहग। बोहग बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड, बोहग बिहू को दूसरा क्या बोलते हैं? रंगोली बिहू। बोहग बिहू को दूसरा हम रंगोली बिहू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। बीच गेम्स आर प्लेड ऑन बिहू, यानी कि बिहू में जो बिहू उनका फेस्टिवल है उसमें कौन सी गेम्स खेली जाती है? तो गेम्स लाइक कनीजू, यानी कि एग फाइटिंग, धूप यानी कि बॉल गेम, एंड हाउ अ फॉर्म ऑफ कबड्डी, यानी कि कबड्डी जैसी एक गेम है, तो वो आर प्लेड ऑन बिहू, यानी कि उस दिन ये सब गेम्स खेली जाती है। नेम द बिहू फूड स्पेशलिटीज प्रिपेयर्ड ऑन द न्यू ईयर डे, यानी कि न्यू ईयर के दिन उनके वहाँ पे स्पेशल डिशेस कौन सी बनती है? तो बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक चीरा, पीठा एंड लारू आर प्रिपेयर्ड ऑन द न्यू ईयर डे, यानी कि उनके वहाँ तीन स्पेशल डिशेस बनती है, और वो है चीरा, पीठा एंड लारू। वॉट डू द पीपल वॉर्शिप ऑन बिहू, यानी कि उस दिन लोग किसकी पूजा करते हैं? तो पीपल वॉर्शिप तुलसी ऑन बिहू, लोग उस दिन किसकी पूजा करते हैं? तुलसी माता की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक इज अ गेम प्लेड ऑन बिहू, यानी कि बिहू के साथ कौन सी गेम, बिहू के दिन कौन सी गेम खेली जाती है? तो धूप, तुलसी, लारू, पीठा। पीठा और लारू तो एक डिश है, तो कौन सी गेम है? धूप। ब्लैंक इज अ डिश प्रिपेयर्ड ऑन बिहू, कौन सी डिश प्रिपेयर करते हैं उस दिन? तो चीरा। पीपल वॉर्शिप ब्लैंक ऑन बिहू, भगवान लोग किसकी पूजा करते हैं? तुलसी की।
इसके आगे की वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।